नमस्कार, ये खबर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिंस राणा और मैं आपको बताने जा रहा हूं बेहद बड़ी खबर। विकास दुबे को यूपीएससी अपने एनकाउंटर में मार गिराया है। इससे पहले उसकी गिरफ्तारी के करीब 12 घंटे बाद उज्जैन पुलिस ने साफ किया था कि विकास दुबे को यूपीएससी के हवाले कर दिया गया है। इस बात की जानकारी देने के लिए सामने आए उज्जैन के एसपी मनोज कुमार उस पर सवालों के घेरे में आ गए जब उन्होंने कहा कि विकास के खिलाफ उज्जैन में केस ही दर्ज नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि पूरी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से की गई है। हमने कानपुर पुलिस और एसटीएफ से बातचीत और तस्दीक के बाद विकास को उनके सुपुर्द किया है। हमने 8 घंटे उससे पूछताछ की और चार्जशीट बनाकर यूपीएससीएफ को सौंप दिया है। बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि उज्जैन में विकास दुबे के खिलाफ कोई केस ही दर्ज नहीं हुआ था। पहले यह खबर आ रही थी कि उसे यूपीएससीएफ चार्टर्ड प्लेन से लेकर रवाना हो गई है, लेकिन एसटीएफ उसे सड़क के रास्ते ही कानपुर ले गई। गिरफ्तारी के वक्त चिल्लाया था एसटी शीटर, विकास दुबे हूँ मैं कानपुर वाला। विकास दुबे को गुरुवार सुबह उज्जैन में करीब 9 बजे गिरफ्तार किया गया था। डरा हुआ एसटी शीटर गिरफ्तारी के वक्त चिल्ला रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। इसके बाद पुलिस उसे अपने महाकाल थाना पुलिस कंट्रोल रूम नंबर थाना और फिर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ले गई। वहाँ उसे करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई। इस बीच खबर आ रही थी कि विकास की पत्नी रिचा और उसके बेटे और नौकर को लखनऊ में हिरासत में ले लिया गया है। उसकी पत्नी और नौकर बेटे को हिरासत में ले लिया गया है, ये भी बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। उज्जैन का शराब कारोबारी भी हिरासत में ले लिया गया है। उज्जैन पुलिस ने लखनऊ के 2 वकीलों को भी हिरासत में लिया है। ये वकील अपनी निजी गाड़ी के वहाँ पहुंचे थे। उसके अलावा उज्जैन में विकास को ठिकाना देने वाला एक शराब कारोबारी, उसका मैनेजर और 2 अन्य लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। उनसे पूछताछ भी जारी है। विकास ने अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाए। विकास ने गिरफ्तारी से पहले अपने मोबाइल पर कुछ वीडियो भी बनाए। इसके बाद जवानों ने उसे पकड़ लिया, जिप मार्क से बाहर ले जाकर चौकी में बिठा दिया, जिसके बाद पुलिस के अफसरों को जानकारी दी। बाद में पुलिस उसे अज्ञात स्थान पर ले गई जिसका किसी को पता नहीं था वह स्थान कौन सा है जहां पर उसे पुलिस विकास दुबे को ले गई थी। विकास की गिरफ्तारी की 4 बातें सामने आई। ऐसा कहा जा रहा था कि वह खुद सरेंडर करने के लिए गया था। उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, विकास सुबह 8 बजे मंदिर परिसर के बाहर एक दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार सुरेश से पूछा कि दर्शन के लिए रसीद कहाँ मिलती है। सुरेश को उस पर शक हुआ तो उसने महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी को जानकारी दी। सिक्योरिटी ने उस पर नजर रखी। शक होने के बाद उससे पूछताछ की और आईडी कार्ड मांगा। विकास ने फर्जी आईडी कार्ड दिखाया, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद उसने भागने की वहां से कोशिश भी की थी। विकास को पकड़वाने वाले सिक्योरिटी गार्ड गोपाल सिंह ने बताया, मैंने शक होने पर उसे पूछताछ के लिए रोका तो वह आनाकानी करने लगा। मुझे और ज्यादा शक हुआ तो मैंने पुलिस को बुलाया। इस पर उसने मेरे साथ जुमा जप्टी भी की। थोड़ी देर में पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर ले गई। विकास ने गुरुवार सुबह महाकाल बाबा के दर्शन के लिए वीआईपी एंट्री के लिए 250 रुपए की रसीद कटवाई थी। इस दौरान उसने अपना सही नाम विकास दुबे ही लिखवाया था। इसके बाद वह बाबा महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा। दर्शन के बाद विकास वहां मौजूद जवानों के पास गया और बोला कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं, मुझे पकड़ लो। ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि उसने खुद को सरेंडर किया था, उसके बाद भी उसका एनकाउंटर किया गया। फिलहाल अभी यह बात साफ नहीं हुई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस विकास दुबे को अज्ञात स्थान पर ले गई मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड के साथ। विकास दुबे शिवराज सिंह ने पुलिस को शाबाशी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश पुलिस को शाबाशी दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि विकास को उत्तर प्रदेश की पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। दोनों राज्यों की पुलिस इस पर काम कर रही है, ऐसी जानकारी जो है चर्चा हुई थी योगी आदित्यनाथ जी और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के बीच। इससे पहले बुधवार देर रात विकास दुबे के एक और करीबी प्रभात मिश्रा मारा गया। प्रभात को पुलिस ने बुधवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। यूपी पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर ले जा रही थी। रास्ते में प्रभात ने भागने की कोशिश की, उसने पुलिस की पिस्टल झील कर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में प्रभात मारा गया। पुलिस ने बुधवार को ही विकास के करीबी अमर दुबे का भी एनकाउंटर कर दिया था। अमर हमीरपुर में छिपा था, जब तक विकास गैंग के 5 लोग एनकाउंटर में मारे जा चुके थे। सारे लोग एक एक करके एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं और विकास दुबे भी एनकाउंटर में मारा जा चुका है। कानपुर शूट आउट केस में अब तक क्या हुआ जाने ई खबर न्यूज के साथ। 2 जुलाई विकास दुबे को गिरफ्तार करने 3 थानों की पुलिस विकरू गांव में दबिश दी। विकास की गैंग ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। 3 जुलाई पुलिस ने सुबह 7 बजे विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और सहयोगी अतुल दुबे का एनकाउंटर कर दिया था। 20-22 नामजद समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। 5 जुलाई को पुलिस ने विकास के नौकर और खास सहयोगी दयाशंकर उर्फ कल्लू अग्निहोत्री को घेर लिया। पुलिस की गोली लगने से दयाशंकर जख्मी हो गया। उसने खुलासा किया कि विकास ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी पुलिसकर्मियों पर हमला करने की। 6 जुलाई को पुलिस ने अमर की मां क्षमा दुबे और दयाशंकर की पत्नी रेखा समेत 3 को गिरफ्तार किया। शूट आउट की घटना के वक्त पुलिस ने बदमाशों से बचने के लिए क्षमा दुबे का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन क्षमा ने